कोरिया की राजधानी सोल में विश्व की राजनीतिक और कूटनीतिक बिसात बिछी हुई है। लगातार चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपनी अपनी नापाक चाल चलने में लगे हुए हैं। लेकिन अब लगता है कि चीन और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि भारत ने एनएसजी के एंट्री के लिए 48 देशों में से 47 देशों को अपने पक्ष में कर लिया है। जहां कुछ घंटे पहले चीन समेत 6 देश ब्राजील, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड, तुर्की, आयरलैंड एनएसजी में भारत के शामिल होने के खिलाफ थे। इन देशों ने कहा था कि एनपीटी पर साइन किए बिना भारत को इस एनएसजी में शामिल नहीं किया जा सकता। लेकिन गुरुवार देर रात तक चली मीटिंग के बाद 48 में से 47 देश भारत के समर्थन में आ गए, जबकि चीन अब भी भारत को अपना समर्थन न देने पर अड़ा हुआ है। इसके पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने भी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से खास मुलाकात कर एनएसजी पर समर्थन मांगा था। मोदी ने जिनपिंग से कहा था कि भारत के एप्लीकेशन पर चीन निष्पक्ष रवैया अपनाकर समर्थन करे। वहीं चीन की शर्त है कि भारत एनएसजी में शामिल हो तो पाकिस्तान को भी इसमें शामिल किया जाए। चाइना ने भी देखा है कि मैं अगर इतनी रेप्रोचमा भरा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया है, हिंदुस्तान आके हमारे साथ अच्छी तरह बात कर रहा है, दुनिया के लोग सपोर्ट कर रहे हैं और हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम बात मान जाएं, तो चाइना भी इतने मैच्योर देश है, वो इस बात को इस एंगल से देखेगा कि अब शायद हमारे बीच की दुनिया अब खत्म। बहरहाल, अगर चीन सिर्फ एनपीटी के मुद्दे को लेकर भारत की सदस्यता का विरोध कर रहा है, तो शायद चीन ये भूल कर रहा है कि जापान, फ्रांस, अर्जेंटीना और ब्राजील को जिस वक्त एनएसजी में एंट्री मिली, उस वक्त इन देशों ने भी एनपीटी पर साइन नहीं किए थे। तो फिर भारत के लिए अलग पैमाना क्यों? फिलहाल भारत के लिए आज की बैठक अहम है। मुन्ना राय, A to Z न्यूज़, दिल्ली।